हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बायबैक क्या होता है, जानेंगे बायबैक कितने टाइप का होता है और जो टीसीएस का हाल ही में बायबैक ऑफर आया था उसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है बायबैक। बायबैक को अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग हमें सीधा सीधा ये समझ में आता है कि वापस से खरीद लेना। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी होती है। कंपनीज जिनके शेयर आप मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं वो लोग अपने शेयर्स को मार्केट से वापस में खरीद लेते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ही बाय बैक कहा जाता है। अब हो सकता है आप लोगों के मन में एक सवाल आए कि कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं? पहले तो अपने शेयर पब्लिक मार्केट में लेके आती हैं और बाद में वही शेयर मार्केट से खरीद रही होती हैं, ऐसा वो लोग करती क्यों है? इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपकी एक शॉप है, उस शॉप में आपके पास बहुत सारे सामान है। अब आपके पास जो पैसा आता है, जो आप अर्निंग करते हैं वहां से, उस पैसे से आप उस शॉप का सामान खरीदते हैं। मान लीजिए आपके पास इतना सारा पैसा आ जाए, इसके अलावा आपने जो सामान वहां पर खरीद रखा है शॉप में वो भी आपके पास सफिशियंट है, उसको भी आपको अभी और नया सामान नहीं खरीदना है, तो आप उसका क्या करेंगे? तो आप दो चीजें कर सकते हैं। नंबर वन, आप ये कर सकते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, आप उनको बोनस के फॉर्म में थोड़ा रुपया दे दें, या फिर उनकी सैलरी है उसको आप इंक्रीमेंट कर दें, उसको आप बढ़ा दें। तो वो चीज तो कंपनीज भी करती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो लोग आपको डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड देती कहाँ से है? जो उनको प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो लोग अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं डिविडेंड के फॉर्म में। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो शॉप आपने खोल रखी है, क्या पता जब आपने वो शॉप खोली थी तो कहीं से लोन लिया था आपने, अपना कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही करीबी का सामान था वो आपने वहां पर गिरवी रखा और उसके बदले में आपने वहां से लोन लिया। लोन लेने के बाद आपने उस शॉप को अपनी खड़ा किया, आपने उतना बड़ा अपना बिजनेस बनाया जिस वजह से आपको आज उतना सारा प्रॉफिट हो रहा है। तो वही चीज कंपनीज के साथ भी होती है। कंपनीज के पास जो हिस्सेदारी होती है वो लोग अपनी हिस्सेदारी को पब्लिक में मार्केट में बेच देते हैं, जिसके बदले में आप उन्हें पैसे देते हैं और आपके पास उनके शेयर्स आ जाते हैं। तो अभी कंपनीज के पास भी जब खूब सारा पैसा हो चुका है तो वो करें क्या, वो लोग अपना सेकंड स्टेप भी चूज कर सकते हैं जिसे कहा जाता है बायबैक। कंपनीज आपको पैसे दे देती हैं और उसके बदले में जो शेयर वो पहले मार्केट में लेके आई होती हैं वो शेयर आपसे वापस में खरीद लेती हैं। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बायबैक। चलिए अभी बात करते हैं कि बायबैक कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टेंडर ऑफर बायबैक, जो कि अभी टीसीएस के केस में हुआ है। इसमें कंपनीज एक प्राइस पहले से डिसाइड कर देती हैं, कहती हैं जो शेयर हम बायबैक में खरीदेंगे आपसे हम इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर खरीदेंगे। और दूसरा होता है ओपन मार्केट बायबैक। ओपन मार्केट बायबैक में कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे हम और आप ट्रेड करते हैं रेगुलरली, हम लोग शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो कंपनीज बिल्कुल उसी तरीके से अपने शेयर्स को मार्केट से टाइम टू टाइम खरीदती रहती है। लेकिन इसका एक डेट डिसाइड होता है कि इस डेट से लेकर के इस डेट, तो इस डेट से इस डेट के बीच में ही कंपनीज बीच बीच में कुछ कुछ शेयर करके खरीदती रहती हैं रेगुलरली ओपन मार्केट से। टेंडर ऑफर बायबैक के केस में एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस इश्यू। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी ऐसा बायबैक आता है तो हम और आप अप्लाई करते हैं उस बायबैक के लिए। अगर हमारे पास 100 शेयर है तो कंपनीज हमसे सारे के सारे शेयर नहीं खरीदेंगी, अगर भले ही हमने 100 वहां पे अप्लाई किए हैं बायबैक के लिए। तो जितने परसेंट शेयर कंपनीज हमसे वहां पर खरीदती हैं उसी को कहा जाता है एक्सेप्टेंस रेशियो। ये 30, 40, 50, 60 कितना परसेंट भी हो सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और इसके बारे में कंपनी बाद में अपनी डिटेल्स जारी करती है। तो अगर आपके पास 100 शेयर है और 100 शेयर के लिए आपने बायबैक में अप्लाई किया है और अगर उस कंपनी का जो एक्सेप्टेंस रेशियो है बायबैक में वो 30% है, तो आपसे वहां पर सिर्फ 30 शेयर खरीदे जाएंगे, बाकी 30 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे और 30 शेयर जो उन्होंने खरीदे हैं उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं टीसीएस बायबैक ऑफर के बारे में। वैसे तो इसकी रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी 2022 है, लेकिन अगर आपको टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करना था तो जो भी शेयर आपने 21 फरवरी के पहले खरीदे थे 21 फरवरी को, यानी कि कल जो निकल चुका है, तो 21 फरवरी को या फिर उसके पहले अगर आपने टीसीएस से कोई भी शेयर खरीद रखे हैं तो आप उनके साथ टीसीएस के बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई डेट नहीं आई है कि किस डेट को आपको अप्लाई करना है और कितना इसका एक्सेप्टेंस रेशियो है, इसके बारे में भी डिटेल्स नहीं आई है, बट एज्यूम किया जा रहा है कि 30-40% के बीच में इसका एक्सेप्टेंस रेशियो होने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो टीसीएस का बायबैक ऑफर है इसका जो इशू साइज है वो 4 करोड़ शेयर का है, यानी कि कंपनी 4 करोड़ शेयर पब्लिक मार्केट से खरीदने वाली है। यहाँ पर जो प्राइस सेट किया गया है वो 4500 सेट किया गया है, यानी कि कंपनी जब आपसे शेयर खरीदेगी तो
तो वो 4500 की प्राइस से आपसे खरीदने वाली है। जिस दिन आपके शेयर बायबैक में एक्सेप्ट किए जाएंगे उस दिन शेयर का प्राइस जितना भी चल रहा हो, 3000 हो या 3500 हो या 4000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे जब कंपनी शेयर खरीदेगी तब वो 4500 यानी कि 4500 के रेट से ही आपसे शेयर खरीदेगी। तो अगर हम इस पूरे इशू साइज का अमाउंट देखें तो वो निकल के आता है 18,000 करोड़, यानी कि कंपनी 18,000 करोड़ स्पेंड करके अपने 4 करोड़ शेयर मार्केट से खरीदने वाली है। तो ये थी TCS के बायबैक ऑफर की डिटेल्स। अब TCS के बायबैक में कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में वीडियोस बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने भी अपना चैनल बना रखा है जहां पर जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो मैं शेयर कर देता हूं। इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं उनको भी मैं वहां पर शेयर कर देता हूं। इसके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना भी यूजर नेम दे रखा है तो आप डायरेक्टली मुझे भी वहां पर से क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलरली अभी कंटेंट अपलोड करना शुरू कर रहा हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।